दादा मैं पहले ये पूछना चाहता हूँ, मिर्ज़ापुर तो फिल्म आ रहा है, ठीक है, आप उसमें है या नहीं है? अब तक नहीं पता। तो कैसा लगा दादा? मिर्ज़ापुर में थोड़ा सा कैरेक्टर आपका था लेकिन उसमें भी आप मतलब पूरा फाड़ दिए जैसे। हो गया, ईश्वर ने करवा दिया, हमने क्या किया। अगर अगर आप ये बोलिए, ये बोलिए जब पंकज तिवारी के साथ काम किया आपने, कैसा लगा मतलब मिर्ज़ापुर में, क्या उसका उसका मतलब? अच्छा लगता है, अच्छा है, बिहेवियर अच्छा है उसका, अच्छे से मिलता है लोगों से, दिमाग ख़राब नहीं हुआ है उसका। और आपका दो बेटा? हेलो, वो भी अच्छा है बच्चा, तो बहुत मेहनती है, बहुत काम करता है। और दादा मिर्ज़ापुर में जो वायलेंस सीन था, जो वायलेंस सीन जो आपने वो मारा उस आदमी को बहुत मारा, वो वायलेंस सीन करने में मतलब क्या मतलब वो कैसा था? आप तो इतना जो आप आपको देखते हैं मतलब सामने देखते हैं तो उतना उतना तो वायलेंट आप नहीं हो क्या? मतलब आप बहुत हैप्पी इंसान हो। अच्छा, जो ट्रेजिडी करता है वो ट्रेजिक थोड़े होता है, जो कॉमेडी करता है वो जोकर थोड़े होता है। लेकिन आपको कैसा लगा मतलब? हाँ, करना पड़ता ना बेटा। हाँ, तो कैसा लगा मतलब? बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा। हमने ज़्यादा थिएटर में तो हमने हर तरह का कैरेक्टर किया है, कैमरे के सामने ये पहली बार आया। और पूरा एक बार बताइए कौन सा मेमोरेबल मोमेंट है मिर्ज़ापुर का, एक बता दीजिए। जो दुलक्कड़ आदमी हूँ, मुझे समय गुजरता है, ये एक मिनट हो गया, दो मिनट हो गया, भूल गया, फिर आगे देखता। तो फिर आप नहीं बोलेंगे मिर्ज़ापुर फिल्म में आप नहीं हो या नहीं हो? ठीक नहीं, अभी हमें पता नहीं है, हम लोग किस तरह से प्लान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो जब प्लान कर लेते हैं, जब शूटिंग का वक्त आने को होता है तब कॉन्टेक्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू दादा। कोलकाता कैसा लगा आपको? कोलकाता तो घर ही है मेरा, हम तो यहाँ ससुराल है मेरा।